कुल जहलम के बीच पे है हम। आयान को डर लग रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं? सब उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मैं निकला अभी यहाँ पास में एक बेकरी शॉप है, वहाँ पे केक्स लाने, क्योंकि घर वालों का ना कहीं पे जाना है, उसके लिए केक्स ये सब लाने। ठीक है, कश्मीर में ना आज बहुत ज़्यादा ठंड है, ये देखिए हर तरफ से काले बादल छाए हुए हैं। चले कोई नहीं, अभी मैं निकलता हूँ अपनी बाइक, उसके बाद निकलते हैं बेकरी शॉप पे, उसके बाद देखते फिर आज दिन का क्या सीन रहेगा। पता नहीं क्यों हंसता है, जब भी मैं कैमरा पे कुछ बोलता हूँ ना तब पता नहीं ये क्यों हंसता है। क्यों हंसता है तू? क्योंकि आप बोलते हैं ना वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, मैं इसलिए हंसता हूँ। अच्छा, मैं बोलता हूँ वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आप इसीलिए हंसते हो। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग नहीं बोलो फिर क्या बोलूँ? फिर क्या बोलूँ मैं? हेलो गाइस भी जो बोलता हूँ मैं, ये हंसने वाली बात है। इसमें ये देखो उधर से आयान भी आया, एक क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, खेलता रहता है क्रिकेट। ये देखो हैदर आया, आयान और साबिर। इतनी ठंड में कौन कोक पीता है? साबिर पीता है। कश्मीरी पीता है क्योंकि कश्मीर को ठंड नहीं लगती। मुझे नहीं पीना, आप पियो, मैं बीमार पड़ूंगा। आपने पिया हैदर? आपने नहीं पिया कोक? क्यों पिया? बीमार पड़ जाओगे, इतनी ठंड में कोक नहीं पीते। ये निकाली मैंने अपनी बाइक, आप जाते हैं बेकरी शॉप के पास। आगे चढ़ो, आगे गिर जाओगे पीछे, इधर चढ़ो आगे सामने। अच्छा चलो जी, चलो इधर ही बैठो, पकड़ो इसको। हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। फाइनली पहुंचे हम अभी बेकरी शॉप पे, ये देखें। फाइनली लाया हमने केक से, देखिए आप जाते हैं घर। फैसु ने भी डोनट्स लाए। चलिए जी गाइस फाइनली पहुंचे हम घर, अभी पीते पहले चाय, उसके बाद देखते हैं यहीं पास में कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मेरे को कोई स्पेसिफिक जगह चूज नहीं होती है, क्योंकि मैं अकेले जाता हूँ ज़्यादातर घूमने के लिए, इसलिए सब कुछ अपने तक ही होता है कहाँ क्या घूमने जाए। ठीक है, तो अभी पीते पहले चाय, उसके बाद देखते हैं। ठीक, तो गाइस ये आ गई मेरी चाय मस्त और ये रहे कोकोनट्स। अभी पीते चाय और कोकोनट्स, उसके बाद मिलते हैं आपसे। चाय होगी मस्त। अभी आयान बोल रहा है कि हम जाएंगे आज राजबाग ऐसे घूमने के लिए, क्योंकि वो पास में है ना राजबाग, तो हाँ वहीं पर जाएंगे। क्यों आयान वहीं पर जाए? चलिए फिर चलते हैं। राजबाग में तो वैसे कोई जगह देखने लायक है नहीं, मतलब घूमने लायक कोई जगह नहीं है राजबाग में, लेकिन हम ऐसे ही जा रहे हैं। ठीक है, राजबाग सच में बहुत ज्यादा ठंड है, मैं भी पछता रहा हूँ मैंने जैकेट साथ में क्यों नहीं लाया यार, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट साइड से, राइट साइड से भी रास्ता है लेकिन यहाँ से पास भी पड़ेगा। यहाँ से बंद ही है, आगे जाके टर्न करना पड़ेगा यार। यहाँ से राइट साइड से टर्न आ गया। चलिए जी यहाँ से भी शॉर्टकट ही पहुँचने वाले हैं हम अभी जहलम पार्क के पास। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जहलम, जहलम रिवर। ओके ये देखिए ये रहा जहलम पार्क। आना गोप्रो के बदले है, ठीक है, आयानी फोन पकड़ के मेरा, जहाँ से मैं उसको बोल रहा वहां से घुमा रहा है। और ये रहा फुट ब्रिज, दिस इज फुट ब्रिज जो कि लाल चौक की ओर जाता है। यहाँ पे म्यूजियम भी है कोई, लेकिन वहाँ पे पता नहीं अलाउ है जाना कि नहीं, क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं हूँ वहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आज ना सब जगहों से कंस्ट्रक्शन चल रही है श्रीनगर में, हर जगह से कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। ठीक है, यहाँ पे रखी हमने अभी अपनी बाइक, अब जाएंगे वहाँ फुटब्रिज साइड से। ठीक है, पहले जी यहाँ से जाना है अभी हमको। पहुंचे हम अभी फुट ब्रिज पे, अब जाएंगे उस पार। ठीक है, ब्रिज से क्रॉस करेंगे और ये देखिए यहाँ से जहलम रिवर।
मैं आपको बता दूं, ये जगह ना हम सब फ्रेंड्स की फेवरेट जगह है। मतलब जब भी कभी बोर होते थे या कहीं पास में जाने का मन होता था तो हम यहीं पे आते थे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी शांति है, मतलब बहुत सुकून आता है यहाँ पे बैठने में। कि पास में जहलम रिवर भी है और ये देखिए यहाँ से माउंटेन्स, ये देखो गाइस क्या मस्त जगह है। यहाँ से भी इसको पानी है, राइट साइड से भी आइलैंड टाइप है बना हुआ है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ से आए हम, इसके अपोजिट ही है, यहाँ से देखिए ये लाल चौक संडे मार्केट, इसको बोलते हैं पोलो व्यू, ठीक है। यहाँ से वो मार्केट होता है, लेकिन अभी हम उस साइड नहीं जाएंगे, अभी हम यहाँ से घूमेंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये वाली हमारी फेवरेट जगह थी हम फ्रेंड्स लोगों की, यहाँ पे बैठते थे हम चेयर पे, ठीक है, कि यहाँ पे चिनार का पेड़ भी ये सब भी था इसीलिए। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से यहाँ पे गंद मची हुई है। मस्त जगह है यहाँ से, देखो गाइस क्या मस्त जगह है यहाँ से। ये सब यहाँ से रेस्टोरेंट्स कैफे ये सब है। और ये देख लो गाइस, ये यहाँ जहलम पार्क के पास ही मस्जिद है, देखिए पूरा वुड का काम किया गया है इस पर, बहुत ही प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। और इसके साथ में ही यहाँ से चिनार के पेड़, ये देखिए कितनी प्यारी मस्जिद है। यहाँ पे जहलम रिवर्स के पास में उस साइड से भी ये दिखती है ये मस्जिद। चलिए जी अभी हम जा रहे हैं और आगे की तरफ। ये देखिए गाइस चिनार के पेड़ इस मस्जिद के साथ में। तो गाइस आयन पड़ गया पीछे की शिकारा राइड करेंगे, अभी चल रहे आगे की तरफ जहाँ पे शिकारा होती है, अगर वहाँ पे शिकारा हुई तो क्रॉस करेंगे रिवर। यहाँ पे तो शिकारा नहीं है, लेकिन वो देखिए वहाँ पे क्रॉस करते हैं रिवर शिकारा में, हम भी जाएंगे ऐसे क्रॉस करके रिवर, फिर वहाँ से वापस आएंगे, ठीक है। चाय पियोगे आयन? चला गया, आप पियोगे तो मैं भी पीऊंगा। अच्छा अगर मैं पीऊंगा तो आप पियोगे, हाँ। चलो फिर पीते हैं। यहाँ पे चाय नहीं मिल रही है, चलिए चाय कैंसिल। देखो गाइस हाउस बोट डूब चुकी है जहलम रिवर में, जैसे वो हाउस बोट है ना वैसी ये भी थी, लेकिन ये डूब चुकी है, ये देखिए इसमें पानी घुस चुका है। वॉल ऑफ काइंडनेस, चलिए जी यहाँ से जाना है हमको, ठीक है। ये देखिए गाइस ये है यहाँ पे शिकारा, यहाँ से करना है हमको रिवर क्रॉस, वो छोड़े उस साइड, फिर वहीं से चल के जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमारी बाइक है, फिर वहीं से घर भी जाएंगे, ठीक है। चलिए जी जाते हैं शिकारा में। ये निकल चुकी है हमारी शिकारा, ये देखें अभी बिल्कुल जहलम के बीच पे है हम। आयान को डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, क्यों आयान? गाइस फाइनली पहुंचे हम अभी रिवर क्रॉस करके, वहां से चढ़े हम शिकारा में तो पहुंचे यहाँ, ठीक है। चलो जी गाइस कुतस वो ₹20 ₹20 मतलब ₹10 पर पर्सन यहाँ क्रॉस करने के लिए। ये जा रही अब शिकारा वापस, अब हम भी जाते हैं, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे हाउस बोट्स, पहुंचे हम अभी मेन रोड पे, यहाँ से भी चल के जाना है आगे की तरफ क्योंकि आगे हमारी बाइक है ना। ये देखिए यहाँ से अभी बहुत चलना है हमको बाइक के लिए। ये देखो गाइस हाउस बोट्स जहलम रिवर में। तो गाइस ये वाली हमारी सबसे फेवरेट जगह थी क्योंकि यहाँ पे चिनार का पेड़ है और यहाँ पे ना पार्क्स बनी हुई थी पहले, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है और बिल्कुल सामने था जहलम रिवर, तो यहाँ पे हम अक्सर बैठा करते थे फ्रेंड्स लोग, ठीक है। और ये देखिए उस पार जहाँ से हम अभी आए वो मस्जिद, ये देखें वहाँ से दिखा इससे पहले मैंने आपको, अभी देखिए अपोजिट साइड से। चलिए जी गाइस यहीं पे हमारी बाइक है, ठीक है। चलिए यहाँ से लेते हैं अब अभी अपनी बाइक, उसके बाद जाते हैं घर और मिलते हैं आपसे सीधे घर में। ये रही गाइस हमारी बाइक, उधर से आके हम दूसरे साइड से आए थे LD हॉस्पिटल के साइड, अभी हम जा रहे जॉगर्स पार्क है यहाँ से, ये देखिए राइट साइड ये है जॉगर्स पार्क, इसी साइड हम जा रहे हैं वापस की तरफ, ठीक है। आगे पुलिस है, ये देखें
पुलिस का नाका है आगे, इसलिए हम यहाँ से शॉर्टकट में जाएंगे जी। पहुँचे हम अभी वापस बाण पे, उधर से आके इस साइड आए थे हम। ये देखो गाइस, थोड़ा सा भी पेट्रोल नहीं है बाइक में। ये वाला मीटर ख़राब है लेकिन ये सही चल रहा है जो पेट्रोल वाला है। थोड़ा सा भी पेट्रोल नहीं है इसमें, लेकिन क्या है ना, मैंने ना दो दिन पहले इसमें 50 से 100 रुपये का पेट्रोल डाला था, अभी भी चल रही है। यही फ़ायदा है स्प्लेंडर का। ये देखिए पेट्रोल ख़त्म। अब मेरे को पता है अगर पेट्रोल ख़त्म भी होगा फिर भी मैं रिजर्व पे चल सकता हूँ पेट्रोल पंप तक। गाइस फाइनली पहुंचे हम घर। यार रास्ते में ना बहुत तेज बारिश हुई, इसलिए जल्दी जल्दी मैं घर आना पड़ा और इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाया रास्ते में। ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ जिम के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका। मैं ना 3-4 बजे जिम जाता था, अभी 6:30 भी बज चुके। आप देखिए रात होने वाली है तो अभी तक मैं जिम भी नहीं गया। चलिए अभी जाते हैं जिम के लिए, आप मिलते हैं आपसे सीधा जिम में। ये देखिए गाइस, अभी भी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, पता नहीं वीडियो पे दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी हो रही है बारिश। फाइनली पहुंचे हम जिम। तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर, बहुत लेट हो चुका घर आते आते। ये देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है, तो अभी मैं जाता हूँ घर और करता हूँ वीडियो एडिटिंग स्टार्ट। और इसके साथ आज के व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, खुश रहे, बाय।